गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट क्लोजिंग कैपिटल। इलस्ट्रेशन नंबर 7 हमने किया था और उसके उस क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो है उसके अंदर दो चीजें फाइंड आउट करनी थी। पहली थी क्लोजिंग कैपिटल और दूसरी थी आपका प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका पार्ट था क्लोजिंग कैपिटल हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे, दैट इज 7,10,000 रुपीस, है ना। क्लोजिंग कैपिटल हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे, प्रॉफिट रह गया था, है ना। तो प्रॉफिट के लिए पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल में क्या होता है, देखो क्लोजिंग कैपिटल निकालते किस तरीके से हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल, कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तब आपकी कैपिटल कितनी थी। तो क्लोजिंग कैपिटल होती है जो 1 अप्रैल को गिवन होती है ना, जब आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा। ईयर कोई भी ले लेना, जब आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा, आपका अकाउंटिंग ईयर प्रिवेल करता है कब से कब तक, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, ये आपका अकाउंटिंग ईयर होता है, है ना। तो जो जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तब आपकी कैपिटल कितनी थी पहली तारीख को, वो आपकी ओपनिंग कैपिटल है, है ना। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस में हो सकता है आपने साल के बीच में थोड़ी और कैपिटल लगाई हो, एडिशनल कैपिटल भी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से और थोड़े 3 या 4 महीने बाद मैंने 2 लाख रुपए और लगा दिए अपने बिजनेस में। तो 2 लाख रुपए आपने और लगाए यानी कि ऐड किए, यानी कि एडिशनल कैपिटल है। तो ओपनिंग कैपिटल में वो प्लस करेंगे ना, है ना। तो ओपनिंग कैपिटल हो गई, प्लस में क्या हो जाता है, एडिशनल कैपिटल, ठीक है। प्लस में क्या हो जाता है, अगर कोई भी फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट हो रहा है किसी भी बिजनेस में, ठीक है, तो प्रॉफिट की वजह से भी कैपिटल बढ़ेगी, है ना, क्योंकि लॉस की वजह से घटती है। लॉस तो एक नेगेटिव टर्म है, माइनस होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस होगा। तो अगर कभी भी प्रॉफिट होता है तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। प्रॉफिट की वजह से कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीजें जिनकी वजह से कैपिटल या एडिशनल कैपिटल या प्रॉफिट जिसकी वजह से कैपिटल इंक्रीज होगी वो प्लस करेंगे इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। लेस क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉइंग्स, क्योंकि ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है कि हम अपने पर्सनल यूज के लिए ना पैसे निकलवा लेते हैं। तो जब आप बिजनेस में से पैसे निकलवा रहे हो तो ऐसे तो बिजनेस का पैसा वो हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो ड्रॉइंग्स को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस में, तो जब हम लोग ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट जो भी पॉजिटिव चीजें उनको ऐड करेंगे, और ड्रॉइंग्स में तो हम निकाल ही रहे होते हैं, अगर आपने ध्यान से 1 से 6 क्वेश्चंस किए होंगे तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन जब हमने 1 से 6 क्वेश्चन किए तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि बच्चे अगर ड्रॉइंग आ जाता है तो वो कैश और कैपिटल में माइनस होता है, बताया था ना। तो मैंने कैपिटल में क्या कराया था, ड्रॉइंग्स को माइनस कराया था, याद है ना। तो यानी कि ओपनिंग कैपिटल प्लस करेंगे, एडिशनल प्लस करेंगे, प्रॉफिट प्लस करेंगे, ड्रॉइंग्स माइनस करेंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना हो तो कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें ड्रॉइंग हो, एक सेकंड, यहां पे देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, यहां पे दे रखा है ना, विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। मैंने कहा था ये ड्रॉइंग्स होती है, प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज। अब देखो 7th पॉइंट में ड्रॉइंग्स है, वो कैपिटल में माइनस हो रखा होगा। तो कितनी है ड्रॉइंग्स, नीचे से 3rd नंबर पे देखो, 3000 ना। अब देखो 7th वाला देखो पॉइंट, 7th वाला पॉइंट देखो, विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज, ये ड्रॉइंग है ना, कैपिटल में माइनस हो रखी होगी। देखो ये कैपिटल है, -3000 ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों करने के बाद फाइनली जो हमारे पास आता है वो आती है क्लोजिंग कैपिटल। इज दैट क्लियर टू यू ऑल।
तो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्या आता है, क्लोजिंग कैपिटल। ये एक फॉर्मूला है, क्लियर है ये बात। चलिए अब इसको, अगर ये तो मैंने चलो ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, है ना? ठीक है। अब देखिए बेसिकली अब क्या होता है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, फॉर्मूला एक ही रहेगा, ये ओपनिंग प्लस एडिशनल प्लस ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, फॉर्मूला यही रहेगा। लेकिन यू नेवर नो कि क्वेश्चन में इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग कर देंगे और कहेंगे वही चीज निकालो। ठीक है, अब जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन नंबर 11 में क्लोजिंग कैपिटल के साथ साथ प्रॉफिट बोला गया निकालने के लिए, है ना? तो यानी कि आप एक काम कीजिए, प्रॉफिट बोला है ना निकालने के लिए, तो प्रॉफिट को यूज करेंगे, बाकी सबका देख लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो ओपनिंग कैपिटल गिवन है, कितनी गिवन है ओपनिंग कैपिटल, 1 अप्रैल को ओपनिंग कैपिटल गिवन है 5 लाख रुपीज। तो चलिए ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे 5 लाख रुपीज, गिवन है ना ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल तो गिवन ही नहीं है, जीरो लिख दो। प्रॉफिट तो हमें निकालना ही है, तो प्रॉफिट को प्रॉफिट लिखो क्योंकि ये तो हमें निकालना है। ड्रॉइंग्स हमें गिवन ही नहीं है तो माइनस कर देंगे ड्रॉइंग्स, और क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाली थी अभी अभी, तो क्लोजिंग कैपिटल हमने कितनी निकाली थी, 7,10,000 रुपीज, है ना? तो क्लोजिंग कैपिटल जो हमने अभी अभी निकाली थी उसको हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे उसको, दैट इज 7,10,000 रुपीज। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल गिवन थी, ये गिवन नहीं थी, जीरो, प्रॉफिट तो हमें निकालना ही है, ड्रॉइंग गिवन नहीं थी तो जीरो, क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाली थी, जो निकाली थी उसी की वैल्यू को यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हमें निकालना है तो प्रॉफिट को प्रॉफिट की ही जगह पे रहने दो, 7,10,000 को भी यहीं पे रहने दो, ये प्लस का है, उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, इज दैट क्लियर? और ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 2,10,000 रुपीज। एंड डोंट फॉरगेट कि आपको इंडियन रुपी का साइन बना के आना है। ठीक है, डोंट फॉरगेट दिस मार्क। तो प्रॉफिट आ गया आपका कितना, 2,10,000। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जैसे इलस्ट्रेशन अगर हम ये वाला देखें 11th क्वेश्चन में, तो आपको लगेगा कि खाली यही फॉर्मूला है, ये देखिए, सॉरी ये देखिए ये वाला फॉर्मूला है, है ना? लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो एक्चुअल में यही फॉर्मूला है, बस फर्क ये है कि ये एडिशनल कैपिटल और जो ड्रॉइंग है ये दोनों चीजें आपको गिवन नहीं थी, इस वजह से जीरो जीरो है। अल्टीमेटली फॉर्मूला ये है, ये वाला, और ये जो फॉर्मूला है वो तो एक शॉर्टकट की है क्योंकि जो दो चीजें थी वो मिसिंग थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही आ रहा है 2,10,000, और यहाँ पे भी हमारा 2,10,000 आ रहा है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी है आपको तो आप पूछ सकते हैं।